नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे बिग बॉस 14 की कंटेस्टेंट की फीस। इस सीजन की सबसे महंगी कंटेस्टेंट है रूबीना, वही महज 14 दिन के लिए तूफानी सीनियर सिद्धार्थ शुक्ला ने लिए 32 लाख रुपए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने चैनल बॉलीवुड सितारे पे। टेलीविजन रियलिटी शो बिग बॉस 14 में रूबीना द लेक लगातार चर्चे में बनी हुई है। एक्ट्रेस को पिछले कई सालों से शो में आने का ऑफर दिया जा रहा है, हालांकि वो लगातार मना करती आई है, मगर इस साल एक्ट्रेस पति अभिनव शुक्ला के साथ घर में आ चुकी। आपको जानकर हैरानी होगी, इस शो में रहने के लिए हर हफ्ते 5 लाख रुपए फीस ले रही है। वहीं उनके पति अभिनव शुक्ला को उनकी फीस से आधी रकम ही मिल रही है। तो आइए शुरू करते हैं, ये है सबसे ज्यादा फीस लेने वाले टॉप कंटेस्टेंट। दोस्तों पहले नंबर पे आती है रूबीना द लेक। अपनी बेबाक बातों से चर्चा में रहने वाली रूबीना इस सीजन की सबसे महंगी कंटेस्टेंट है। एक्ट्रेस को शो में रहने के लिए हर हफ्ते 5 लाख रुपए मिल रहे हैं। बता दें कि हाल ही में रूबीना ने सलमान पर पति अभिनव शुक्ला का अपमान करने का आरोप लगाते हुए शो छोड़ने की भी जिद पकड़ ली थी। उनका कहना था कि वो इस शो में आने के लिए उतावली नहीं थी और रूबीना के कहने पर ही अभिनव शो में आए हैं, ऐसे में उनका अपमान करना गलत है। वहीं दूसरे नंबर पे आती है जैस्मीन बसीन। टेलीविजन शो दिल से दिल तक में नजर आ चुकी जैस्मीन बसीन को हर हफ्ते 3 लाख रुपए दिए जा रहे थे। इसी के साथ इस सीजन की दूसरी सबसे महंगी कंटेस्टेंट है। इमोशनल होके गेम खेल रही जैस्मीन को सलमान खान की भी जमकर सराहना मिल रही थी। वहीं तीसरे नंबर पे आती है सारा गुरपाल। शो से पहले ही हफ्ते बेघर हो चुकी पंजाबी सिंगर और एक्ट्रेस सारा गुरपाल तीसरी सबसे महंगी कंटेस्टेंट थी। एक्ट्रेस को हर हफ्ते 2 लाख रुपए दिए जा रहे थे, मगर वो पहले ही हफ्ते में घर से बेघर हो गई। सारा का एविक्शन तूफानी सीनियर्स ने सहमति से किया था, जिससे सारा काफी नाराज हुई थी। वहीं चौथे नंबर पे आते हैं दोस्तों निशान मलकानी। गुड दिन तुमसे ना हो पाएगा एक्टर निशांत को हर हफ्ते 2 लाख रुपए दिए जा रहे थे। बिग बॉस 14 में आने से पहले ही एक्टर ने अपना पुराना शो छोड़ दिया था। वहीं पांचवे नंबर पे आता है दोस्तों एजाज खान। फिल्मों और टीवी शो से बेहतरीन पॉपुलैरिटी हासिल करने वाले एजाज खान को शो में हर हफ्ते 1.8 लाख रुपीस मिल रहे हैं, यानी कि 1,80,000 रुपए। पहले हफ्ते एक्टर का गेम फीका नजर आया, मगर सलमान के समझाने के बाद एजाज काफी खुलकर गेम खेलने लग गए। वहीं छठे नंबर पे आता है दोस्तों शहजाद देओल। वहीं आपको बता दें दोस्तों, शहजाद देओल थे सीजन के सबसे सस्ते कंटेस्टेंट। शो में इस 5 सदस्यों के अलावा पवित्र पुनिया और अभिनव शुक्ला को हर हफ्ते 1.5 लाख रुपए मिल रहे हैं। निक्की तंबोली को 1,20,000 रुपए मिल रहे हैं। वहीं राहुल वेद्या को 1 लाख रुपए और जान कुमार सानू को 80,000 रुपए पर हफ्ते का मिल रहा है। शहजाद देओल को इस सीजन में सबसे कम फीस 50,000 रुपए पर हफ्ता मिल रही है, हालांकि वो शो से बाहर हो चुके हैं। 2 हफ्ते घर में रहने के लिए तूफानी सीनियर्स को मिले लाखों रुपए। अब पहले नंबर पे आता है दोस्तों सिद्धार्थ शुक्ला, जिन्हें 2 हफ्ते रहने के 32 लाख रुपए मिले हैं। वहीं दूसरे नंबर पे आती हैं हिना खान, उन्हें 2 हफ्ते यानी 14 दिन रुकने के मिले हैं 25 लाख रुपए। वहीं तीसरे नंबर पे आती है गौहर खान। गौहर खान को 2 हफ्ते के 20 लाख रुपए मिले हैं। तो देखा आपने दोस्तों कैसे लाखों में कमाते हैं ये सेलिब्रिटीज। तो कैसा लगा आपको ये दोस्तों वीडियो, हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताएं और हमारा चैनल बॉलीवुड सितारे को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए हम ऐसी और भी वीडियोस लाते रहें।